हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लवटर और 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग सब खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं अभी, करेंटली उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके डियर, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करें, है ना। ओके चलिए, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, ओ नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, डेथ का कार्ड है, हर्मिट, टावर। डियर, कुछ बातें खराब हुई है आप लोगों के बीच में, बताइए आप लोगों के बीच में कुछ बातें खराब हुई है? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, दिल तो यहाँ टूटा है। टेम्परेंस बेल, टेम्परेंस। ओके डियर, फोन आ गया था डियर, चलिए। ओके चलिए, आधा डेक से भी देख लेते हैं। पूरा फोकस अपने पार्टनर पर, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनको लेके क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ क्लब्स, थ्री ऑफ स्पेड, टू ऑफ डायमंड, सेवन ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ हार्ट्स। ओके डियर, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और नहीं दिख रहे हैं तो कैमरा सेट कर देते हैं जी। ओके चलिए, यहाँ पर साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे साइन हैं, एनर्जी आपसे मैच होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके डियर, साइन मायने नहीं रखते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो सिर्फ डिवाइन को पता है। ओके डियर, चलिए तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फिलहाल। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको डियर, आपके पार्टनर के माइंड में दो दो थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, और वो भी किसके लिए। कुछ तो प्रॉब्लम, मैंने बोला ना सबसे पहले कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों के अभी अभी की जो सिचुएशन है, करेंट सिचुएशन को देखा जाए तो किसी तीसरे पर्सन को लेके आपके लाइफ में बवाल मचा है। क्यों मचा है ये मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ क्लियर दिख रहा है, हम क्लैरिफाई करेंगे इसे कि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों निकला है, ठीक है डियर। तो चलिए कर ही लेते हैं कि थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। फोर ऑफ वॉन्ट्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करा है फोर ऑफ वॉन्ट्स ने, ठीक है डियर। चलिए यहाँ देखिए जो सिचुएशन है, मैं बता दूँ आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा अभी आपके पार्टनर जो हैं, बिल्कुल उनकी जो एनर्जी है ना, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, है ना, क्योंकि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों का कहना माना है, यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है, ठीक है, और यहाँ देखिए,
ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जिसकी भी बात माने हैं उसके कारण आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके रिश्ते को खराब कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप लोगों के बीच में ये रिश्ता जुड़ने की बात होती है उस समय आपके रिश्ते में हो जाता है 5 ऑफ वॉन्ड। ओके डियर, तो 100% जब भी आपका आपने भी महसूस किया होगा कि आपका रिश्ता जब भी आगे बढ़ने के लिए होता है तब आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है और आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाती है ना। तो ये सिचुएशन मुझे क्लियर तरीके से दिख रही है यहाँ पर कि ये रिश्ता जो है किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में ख़राब हो जाता है। कुछ तो है, ठीक है, दो दो थॉट्स चलते हैं इनके माइंड में, कुछ ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ये चूज़ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तकलीफ, दर्द, इन सब चीज़ों के बीच में आपके पार्टनर है ना पिस रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन लूँ, क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, प्यार है पर क्या, प्यार तो बहुत है पर यहाँ सिचुएशन देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करना चाहते हैं पर क्लियरिटी उनके दिमाग में कोई आने ही नहीं दे रहा है। यहाँ दो दो थॉट्स आ जाते हैं बार बार। 7 ऑफ स्पेड्स का कार्ड आ जाता है, 10 ऑफ स्पेड्स का कार्ड है। ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में हमेशा नेगेटिविटी भरी जाती है। जब भी ये रिश्ता आगे की तरफ मूव करता है इस रिश्ते को पीछे धकेल दिया जाता है। कोई तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है जिसके कारण आपके पार्टनर हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं, पर ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, बहुत लव है इनको आपसे, मोहब्बत तो बहुत है पर कहीं ना कहीं बस यही है कि जो भी स्टेप ले रहे हैं ना ये उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। ये चाहते हैं, काफ़ी लोगों के पार्टनर का दिल है कि वो लव मैरिज करें, अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, डर जाते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन से फंस जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता है। तो इनकी लाइफ में कुछ तो है, कुछ चल रहा है, बैलेंस, इनका बैलेंस जो है ना वो डगमगा जाता है। डियर देखिए यहाँ से बैलेंस डगमगा जाता है। यहाँ से कार्ड देखिए कि इंतज़ार करते रह जाते हैं, ये विश मांगते रह जाते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं पर क्या करें, कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए इतना प्यारा कार्ड निकला था, एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप, आप इतने प्यारे हैं, इतने केयरिंग हैं, सब कुछ है पर ये आपके लिए कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच सोच कर इस इंसानों ने इनका जो माइंड है ना वो स्टक कर दिया है, बिल्कुल हैंग्ड हो गए हैं ये, कुछ नहीं समझ में आ रहा। चाहे ये फैमिली हो सकती है या कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है या जो भी पर्सन है ना, उन्होंने आपके पार्टनर के माइंड को बिल्कुल हैंग्ड कर दिया है। कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, शादी का सोचते हैं, ठीक है, यहाँ से भी शादी का है कि लव मैरिज करना है उनको, पर ये सोचते हैं कि यार कैसे, कोई मानेगा या नहीं मानेगा, मदर मानेगी या नहीं मानेगी, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। फिर जब सारी सिचुएशन इनके हाथ से बाहर हो जाती है तो ये फिर फूल वाली स्थिति में आ जाते हैं, जैसे फूल का कार्ड है ना कि बेवकूफ़ों की तरह चल दिया आगे, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है पीछे, क्या नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में ये आपको छोड़कर चले गए हैं और बिल्कुल इनको परवाह नहीं है कि आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, बस अपनी धुन में आगे बढ़े गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में अभी इस वक्त आपको बताया जाए तो टावर चल रहा है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करे, बिल्कुल हर्मिट वाली स्थिति में आ गए हैं, बस एक चिराग लेके चलते चले जा रहे हैं ये पर्सन कि इनको आगे बढ़ना है पर रास्ता नहीं दिख रहा है, खाई दिख रही है इनको आगे। डियर खाई दिख रही है, क्यों? क्योंकि लोगों ने तो ऐसा इनको मैनिपुलेट कर दिया है कि इनके आगे सिर्फ खाई दिख रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जिस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ना वहाँ ये गिर सकते हैं, वहाँ इनको तकलीफ़ हो सकती है। इनके माइंड को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। देखिए यहाँ से भी डेथ का कार्ड है। ये इंसान क्या करे, अपने लाइफ में चेंज लाना चाहता है, जिस भी बुरी सिचुएशन में फंसा है ना उसमें से निकलना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है अपनी लाइफ में, मगर क्या करे। हाँ, यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं आपके बारे में, सारे कार्ड्स बोल रहे हैं पर क्या करें, मिसिंग एनर्जी है डियर, आपके लिए सब कुछ है इसके दिल में पर सिर्फ
कोई तो है जो इनके दिल पर राज करता है, कोई तो है जो इनके दिल को कंट्रोल करता है। इतना भी उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि बेचारा वो जो बंदा है वो कुछ स्टेप नहीं ले पाए, थक जाए और स्टक हो जाए। देखिए यहाँ उसकी स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है और बीच में वो बेचारा बंदा है और आप दोनों इस तरफ हैं। यहाँ उसकी फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो, उसके मदर फादर हो, कोई भी हो, एक तरफ आप हैं डियर। तो ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि वो प्यार इतना करता है, इतना सब कुछ होते हुए आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी उसके कुछ फ़र्ज हैं, यहाँ भी कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बीच में वो फंस गया है। तो इस तरह से टंग चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। स्टेप लेना चाहते हैं पर वही है ना कि धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, हरमिट वाली मोड़ पर हैं, एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं आ जाए, कोई रिश्ता तोड़ ना दे, कहीं से ये रिश्ता जो है मेरे हाथ से ना चला जाए, इस रिश्ते की डेथ ना हो जाए, तो ये डर रहे हैं, है ना। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। ज़्यादा नहीं लिए हाँ, ए से जी तक के नेम के कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच के। ओके डियर, देखिए इन्जॉय करना चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं, गिफ्ट चाहते हैं, ये आपके साथ में सब कुछ चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी, मैंने कहा ना मिस कर रहे हैं, मिस यू वाली एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। सोलमेट, अपना कनेक्शन जो है सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। इन्वॉल्व, कोई तो इन्वॉल्व है इनकी लाइफ में डियर, जिसके कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनका जो फोकस है ना वो आप पर से हट जाता है, बार बार इनका जो नज़रें हैं वो आपको तराशती है, देखती रहती है कि आप कहाँ हो, पर कोई इनको इनका दिमाग जो है वो बदल देता है। बार बार इनकी नज़रें इंतज़ार करती है आपकी, है ना, कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं ये जानने के लिए। पर ये जो पर्सन है ना इनको चेंज करते रहते हैं बार बार। आई लव यू कह रहे हैं आपसे, प्यार तो है डियर, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। नो कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की बातों में आकर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, लव लॉस फील कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं। मैरिड, देखिए कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ से भी हमारे पास में मैरिड का कार्ड था, यहाँ से भी हमारे पास में यही चीज़ निकली थी और यहाँ से भी, तो ये चीज़ यही बता रही है कि ये पर्सन जो है ना मैरिड करना चाहते हैं आपसे, पर क्या करें किसी के दबाव में दबे हुए हैं, इसलिए इनकी लाइफ में अभी टावर चल रहा है, हर्मिट मोड पर चले गए हैं, डेथ वाली स्थिति आ गई है इनकी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चैटिंग, चैटिंग करना चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सअप कॉलिंग ये सब चीज़ें बंद हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया या फिर उनने ब्लॉक कर दिया, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है डियर, ठीक है। कमिटमेंट, कमिटमेंट देना है पर क्या करे क्या करे, बंदा कंफ्यूज है, कैसे कमिटमेंट दे, लोगों ने तो उसका दिमाग ख़राब करके रखा है ना, कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं बताइए आप। ब्रेन वॉश, मैंने कहा ना कोई तो है यार डियर इनकी लाइफ में जो इनको ब्रेन वॉश करता है। आप मैनिफेस्टेशन करें, बिल्कुल गजब का मैनिफेस्टेशन करें कि जो भी कोई इनकी लाइफ में है जो इनका ब्रेन वॉश करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है, वो हट जाए, ठीक है। गिवनेस, थर्ड पार्टी, एक लास्ट कार्ड जो निकला है वो है थर्ड पार्टी डियर। तो थर्ड पार्टी कोई तो ऐसा सिचुएशन खड़ा करता है जिसके कारण आपका जो पार्टनर है ना वो आते आते रह जाता है। बार बार आपने महसूस किया होगा ये कदम बढ़ाते हैं पर ये जो पर्सन है चेंज हो जाते हैं, ज़रा सा कदम बढ़ाते हैं फिर पीछे खींच लेते हैं। ये फूल का कार्ड यही बता रहा है कि ये बार बार सोचते हैं कि आपकी तरफ आए आए पर आ नहीं पाते हैं। चलिए कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी मिल जाए। ओके डियर, ओके, इतने मैसेज निकाले हैं। डी हो सकता है डियर, इस पे ही रख लेते हैं। ओके चलिए, नहीं तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता फिर आप बोलते हैं, ठीक है। डी हो सकता है आपके पार्टनर का नेम, आई हो सकता है, इरावती हो सकता है ना, एच हो सकता है, हेमा हो सकता है, जे से किसी का नाम जय हो सकता है, डी से किसी का नाम हो सकता है, जेड नहीं, जेड नहीं है सॉरी, एन है डियर, एन है, बी से किसी का नाम हो सकता है, ए एच, आप अल्फाबेट्स अपने हिसाब से मैच कर लिया कीजिए। ओके, हो सकता है किसी का नाम हो, फेजल हो, फरान हो, वी से किसी का नाम विक्की हो, वाई से पता नहीं क्या आता है, एम से किसी का नाम आता हो,
और आर से। ओके डियर, तो देख लीजिए आप, मैं इमेजेस दिखा देती हूँ। आज क्या बात है, आज एक भी नंबर नहीं निकला ना। चलिए ओके, आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी डियर, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। ओके डियर, ठीक है, मुझे इससे हौसला मिलता है कि हाँ मेरे व्यूवर्स को मेरी रीडिंग पसंद आती है। ठीक है डियर, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।